दिल्ली में चुनाव होना तय है, ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियां जो हैं अभी से कर रही हैं। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में यहां स्टेट ऑफिस में लगातार बैठकें की जा रही हैं कि किस तरह रणनीति बनाया जाए चुनाव में उतरने की। ऐसे में आज से ही बीजेपी ने अपने 30 सांसद दिल्ली में उतार दिए हैं, जगह जगह रैलियां करके 30 सांसद जो है चुनावी जो आगाज है उसको और बढ़ावा देने वाले हैं। सभी वर्गों के साथ पार्टी को निश्चित रूप से हमको सब तक पहुँचना है और इसलिए ये लगातार हमारी बैठकें, लगातार हमारे कार्यक्रम उसी संदर्भ में हो रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा को हमने विशेष करके कहा है कि वो एक विशेष कार्यक्रम हमारे जो 70 विधानसभाएं हैं उनमें जहां जहां डोमिनेटेड पॉपुलेशन है वहां पर वो कार्यक्रम कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके संदर्भ में क्या सोचती है, भारतीय जनता पार्टी का विचार क्या है, एक संवाद स्थापित करना ये निश्चित रूप से जरूरी है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चंदा इकट्ठे करने की बात करें तो चंदा इकट्ठा आम आदमी कहीं ना कहीं कर रही है, जैसे कि कहा जा सकता है कुछ दिन पहले मुंबई में और दिल्ली में डिनर कराया गया था तो अब केजरीवाल दुबई चल पड़े हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जो है गर्माता जा रहा है। फिर भी हम लोगों ने 49 दिन सरकार चलाई और 49 दिन में हमने इतने काम करके दिखाए कि आज तक भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने पहले 50 दिन में इतने काम नहीं करके दिखाए। जो जो वादे किए थे हमने एक एक वादा पूरा करके दिखाया भाई साहब। लेकिन देखना यह होगा कि इस चुनाव में दिल्ली का दिल कौन सी पार्टी जीतने वाली है। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ शुगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।